वेलकम बैक टू सो मैंने जहाँ मास्टर का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर बिल्ड विद बिटकॉइन चेन। जी हाँ दोस्तों, जीरो गैस फीस और ब्लॉकचेन के साथ स्टार्ट करने के बाद आज जो है जिस मकाम पे ये खड़ा है दोस्तों, इतना जल्दी और इतना बियर मार्केट के अंदर कोई ही बाई चांस ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतनी सारी चीज़ों को बिल्ड किया हो, लेकिन हमारा बी राइज ने बियर मार्केट में आकर खड़ा होकर रियल लाइफ यूज केस के ऊपर फोकस किया। और भाई डंप था तो था, लेकिन भाई काम बहुत गजब का किया। और इसलिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट का भी मानना है कि बियर मार्केट को किस तरह यूटिलाइज किया जाए ये सीखना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट को, किससे बी राइज से। और इसका इम्पैक्ट कब मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा। क्या है अपडेट और कौन सा ऐसा लेजेंड है जिन्होंने बिटगर्ड को लेकर काफी पॉजिटिव बातें कही हैं। वीडियो जरूर अंत तक देखिए, आप पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़े फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई अगर हम बियर मार्केट की बात करें, अभी भी चल रहा है आपको पता है यार, लेकिन इन्होंने अपना ब्लॉकचेन के साथ साथ एक्सचेंज को बिल्ड किया, मार्केट प्लेस बिल्ड किया, पेमेंट गेटवे बिल्ड किया, रियल एस्टेट मार्केट प्लेस, बिटगर्ड वेंचर, उससे भी काफी बड़ा जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया वो है क्यू बी राइज, यानी कि एक्स का इलेक्ट्रिक एसयूवी। जी हाँ दोस्तों, ये अपना इलेक्ट्रिक एसयूवी ला रहा है जो कि रियल लाइफ यूज केस होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। जो आप एसयूवी खरीदोगे इसका पेमेंट किस में चाहिए इनको भाई, बी राइज के अंदर। यानी पहले आपको बी राइज कॉइन खरीदना पड़ेगा, फिर आप जो है आप कार खरीद सकते हो। कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है इस प्रोजेक्ट ने, बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़ा बड़ा नाम अपना करने की कोशिश किया है इस प्रोजेक्ट ने, जो हर कोई नहीं करता है दोस्तों। इतना फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं। अभी जो है रिसेंट के अंदर आपको पता है इसका सेकेंड ऑफ एनिवर्सरी है, जिसको लेकर 10 बड़े एक्सचेंज लिस्टिंग अनाउंसमेंट किए इन्होंने। 7 जुलाई को सेकेंड एनिवर्सरी है और भैया 1 अगस्त से इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी अगस्त में, इसका भी लवली का भी, यानी दोनों तरफ से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। NFT फीड जो कि एक टेस्टनेट है, जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट का टेस्टनेट को लाइव करता है ये प्लेटफॉर्म, ये अब आ चुका है बिटगर्ड के ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी कि दोस्तों ये एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट जो है अब यूज़ करने लगा है बिटगर्ड का ब्लॉकचेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसी को लेकर ना काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहता ही है। जी हाँ दोस्तों, भाई काफ़ी बड़ा यहाँ पर हंगामा कर रखा, देख सकते हो भैया बिटगर्ड टेक सेंटर स्टेज, यहाँ पर जो है द न्यू क्रिप्टो ने ये आर्टिकल लिखा है जो कि न्यू कैंपेन के बारे में कहा है, जो बी राइज यहाँ पर कैंपेन स्टार्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपना प्रोमो कैंपेन उसके बारे में कहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ वलेकिना ने भी यहाँ पर इसके चार्ट एनालिसिस किया है और कहा है कि भैया ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। बट बात करता हूँ मैं इल्ज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फॉर्ब के अंदर टॉप 40 सबसे रिच पर्सन है, GVR सर्टिफाइड पर्सन है, और भाई इन्होंने ये चीज़ें कहा है। जी दोस्तों, बी राइज को लेके, बी राइज इज प्रिफेयर टू एक्सप्लेन ऑफ हाउ बियर मार्केट इज यूज टू बिल्ड विद रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज। जी दोस्तों, बी राइज से सीखना चाहिए भाई कि कैसे बियर मार्केट को इन्होंने यूटिलाइज किया है रियल वर्ल्ड का आई थिंक यूज केस को बिल्ड करने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर शेयर भी किया है, लो फीस, सिक्योरिटी, फुल सपोर्ट, फास्ट ट्रांजेक्शन, स्केलेबिलिटी, है ना, ये सब जो कि एक आई थिंक ब्लॉकचेन के अंदर ये दिख रहा है। इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ भाई इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। जहाँ दोस्तों, बिगेस्ट प्रमोशन कैंपेन एवर होप इज हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। जहाँ दोस्तों, हैपन इन क्रिप्टो हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो, भाई क्रिप्टो की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जो 400 यूट्यूबर और ट्विटर इन्फ्लुएंसर जो है प्रमोट कर रहा है बिटगर्ड को, और हम तो भाई इसके पुराने फैन हैं ही। जी हाँ दोस्तों, सोच सकते हो भाई, जो कभी इसको पूछता नहीं था, इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, आज इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया है, आज इनके बारे में बातें करना स्टार्ट की, आज मान रहा है कि भाई बिटगर्ड आने वाले समय के अंदर ब्लॉकचेन के मामले में मैटिक को, सोलाना को टक्कर दे सकता है, एक्सचेंज के मामले में बड़े बड़े एक्सचेंज को धूल चटा सकता है। तो भाई अभी भी काफ़ी डंप में, अभी भी काफ़ी डंप में, हालांकि चलो यार एक कैंडल बना था जब ये 10 एक्सचेंज लिस्टिंग आया था, लेकिन 2587 भाई यही प्राइस है, मतलब अभी भी काफ़ी डंप है। हालांकि ये
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पर से कई बार ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ। देख सकते हो भाई अभी भी एक छोटी सी इंच, आप चाहो तो ले सकते हो यार, कोई देर नहीं हुआ है अभी, है ना। बर्निंग भी इसका हो रहा अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे भाई, 93%, तो जरूर ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी लिस्टिंग्स बचा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट ये दे सकता है। बाकी आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, मेक श्योर अपना ओपिनियन भी जरूर कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हैं। बाकी ऐसे में के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट में आप कितना है, गुड बाय।